नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो पानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन वशीकरण की। आजकल के समय में जो भी व्यक्ति है वह ऑनलाइन ही अपने फ्रेंड से हो, अपने लवर से हो, अपने रिश्तेदार से हो, ऑनलाइन ही बातें करता है। आजकल बहुत तरह के ऐप्स आ गए हैं जिनके जरिए हम ऑनलाइन बातें करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी लोग ऑनलाइन बातों के जरिए ही अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं कि अब ऑनलाइन तरीके से हम किसी को भी अपने वश में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में हर किसी का जो कॉन्टैक्ट है, हर किसी की जो बातें हैं, वो जरिया ही ऑनलाइन है। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी कोई रिश्तेदार है, आपकी कोई एक्स भी है, या आपका कोई दूर का लवर है जिसे ऑनलाइन के जरिए, जिसका आपने वशीकरण करना है, उसको अपना दीवाना बनाना है, अपने प्यार में पागल कर देना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये उपाय को ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप उससे बात कर रहे हैं ऑनलाइन, तब आपने एक ही जगह पर बैठ जाना है। जितनी भी देर आप उससे बात कर रहे हैं, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, चाहे आधा घंटा करें, आपने उसी जगह पर बैठना है, वहां से उठना नहीं है, चाहे आप 5 मिनट की ही बात कर लें। और 5 मिनट की बातों के दौरान जब आपकी बातें चल रही हो, ये नहीं कि आपने बातों के पहले मैसेज कर दिया और उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं है, तो उस उपाय का भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपकी बातें चल रही हैं, तो बातें चलते चलते ही बीच में ही आपने 1 मिनट लेकर फटाफट ये उपाय कर लेना है। उपाय में आपने एक लाल रंग का पेन लेना है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड पर आपने ये मंत्र लिखना है। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड पे मंत्र लिखना है। आपने क्या लिखना है? पहले उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे भी आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। किसी भी एक इंसान के ऊपर ये उपाय होगा। ऊपर आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है, नीचे आपने मंत्र लिखना है। आपने लिखना है ओम श्री धू धू सर्व मोहितो ठ ठ। ये मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे ताकि आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपने ऊपर उसका नाम लिखना है, नीचे आपने मंत्र लिख देना है रेड कलर के पेन से। और उसके बाद आपने अपने पास बिल्कुल मोर का पंख रखना है। आप राइट हैंड से लिख रहे हैं तो अपने राइट तरफ आपने मोर का पंख रख देना है। लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट की तरफ आपने मोर का पंख रख देना है। उसके बाद आपने उससे बातों को कंटिन्यू करना है। आपकी बात चाहे 5 मिनट की हो, चाहे आधे घंटे की हो, चाहे 1 घंटे को हो, लेकिन बातचीत के दौरान ही आपने ये उपाय करना है। और उपाय इतना प्रभावशाली है कि वह व्यक्ति आपका दीवाना हो जाएगा, आपके प्यार में पड़ जाएगा। इसमें एक बात है जो और जोड़ रही है, जो कि बहुत आवश्यक है ध्यान में रखनी। ये उपाय को आपने 7 बार करना है, किसी भी दिन 7 बार। चाहे 7 बार आप एक दिन में उससे बातें करते करते ये उपाय कीजिए, चाहे 1 हफ्ते में कीजिए, चाहे 2 दिन में, चाहे 3 दिन में, लेकिन बातें आपने 7 बार कट कट करके करनी है। यानी कि एक बार आपकी बात खत्म हो गई, उसके बाद चाहे आप अगले दिन बात करें तो दूसरी बार वो उपाय करें, चाहे दिन में 7 बार दोबारा से बातें शुरू करें तो दोबारा से उपाय करें, लेकिन किसी भी तरीके से 7 बार आपने ये उपाय खत्म करना है, चाहे आपकी बात 2 मिनट की ही क्यों ना हो। तो ये आपने उपाय जरूर करना है। आप इसका प्रभाव देखेंगे, इसका क्या रिजल्ट होगा कि वह जो व्यक्ति है वह आपका दीवाना हो जाएगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपसे आकर्षित होगा, आपके प्यार में पड़ जाएगा, आपके प्रभाव में आ जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा। ये मंत्र जो है, ये आकर्षण बीज मंत्र है जो उस व्यक्ति को आपके लिए आकर्षित करेगा, और जो मोर का पंख है वह आपके लिए उसके मन में प्यार जाग जाएगा। प्यार के प्रतीक के लिए हम मोर के पंख का काफी तरह के उपाय किए जाते हैं, तो आपने इस उपाय में भी मोर का पंख अपने पास जरूर रखना है। आप देखेंगे कि वह व्यक्ति कैसे आपके प्यार में पड़ता है, आपका दीवाना हो जाता है, आपके वश में हो जाता है। जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा, जैसा आप करते जाएंगे वैसा ही वो हाँ में हाँ मिलाता जाएगा। तो उपाय बहुत बहुत प्रभावशाली है, इसे आजमाकर जरूर देखिएगा और इसे जैसा कहा गया है वैसा ही कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।